हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम एक सिंपल सी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट के सिस्टम बना सकते हैं यूजिंग जावा JDBC ड्राइवर एंड MySQL डेटाबेस। तो ये मेरे डेटाबेस है, स्टड के नाम से मैंने एक टेबल बनाई हूँ और यहाँ पर मैंने एक्लिप्स IDE में मैं एक सिंपल क्रॉड एप्लीकेशन बनाई हूँ जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं और डेटाबेस से फेच करके हम स्टूडेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो अभी मैं रन कर रही हूँ, यहाँ पर क्या आउटपुट आ रही है कंसोल, ये मेरी कंसोल में, कंसोल से मैं आपको एक्सेस दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने रन की यहाँ पर, तो यहाँ पर आया वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप। अगर आप प्रेस वन करोगे तो ऐड स्टूडेंट होगा, प्रेस टू करोगे तो डिलीट स्टूडेंट हो जाएगा, डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अगर आप प्रेस थ्री करोगे तो डेटाबेस से जितने भी स्टूडेंट की आईडी है वहाँ पर, यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर प्रेस फोर करोगे, अगर फोर प्रेस करोगे तो ये एप्लीकेशन वहीं पर बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर प्रेस वन करती हूँ और एंटर लगाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे पूछ रही है एंटर योर नेम। मैं नेम में अनलाइन ट्यूट्स डाल दी हूँ। फिर एंटर योर फ़ोन नंबर, मैं एक डमी फ़ोन नंबर डाल देती हूँ। ये देखिए एडेड सक्सेसफुली टू द डेटाबेस। और स्टूडेंट आईडी 0, स्टूडेंट नेम ऑनलाइन ट्यूट्स, जो हमने ऑनलाइन ट्यूट्स डाले थे, स्टूडेंट की फ़ोन नंबर, जो ये डमी नंबर हमने डाले थे। ठीक है, अभी हम डेटाबेस में चेक करेंगे ये डेटाबेस में सेव हुआ नहीं हुआ। ये हमारे डेटाबेस है स्टड के नाम से, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए आईडी 1 ऑनलाइन ट्यूट्स और ये फ़ोन नंबर आ गई। मैं यहाँ पर दोबारा प्रेस 1 कर रही हूँ, फिर एंटर, फिर यहाँ पर वो नाम पूछ रही है तो मैं नाम पे शर्मिष्ठा डाल देती हूँ, मेरी खुद की नाम डाल देती हूँ इधर, एंटर, फिर डमी फ़ोन नंबर, एंटर, और फिर से देखिए एडेड सक्सेसफुली टू डेटाबेस। हम दोबारा डेटाबेस में जाकर रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये देखिए आईडी नंबर 2, मेरी नाम और फिर फ़ोन नंबर। अब हम प्रेस 3 करते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट के लिए। जैसे मैंने 3 प्रेस की, एंटर दबाई, तो यहाँ पर देखिए आईडी 1 ऑनलाइन ट्यूट्स फ़ोन नंबर, फिर आईडी 2 शर्मिष्ठा फ़ोन नंबर। तो हमारी सारी डेटा जो डेटाबेस में वो फेच होकर हमें कंसोल में दिखा दे रही है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस 2 करती हूँ तो ये एंटर स्टूडेंट आईडी मांग रही है। अगर मैं 2 दे रही हूँ, ये वाले आईडी दे रही हूँ, मैं अगर इस 2 की आईडी दे रही हूँ तो एंटर कर रही हूँ, तो देखिए डिलीटेड। अब हम लोग डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो पहली वाली डेटा है, दूसरी वाली डेटा जो 2 नंबर की आईडी थी वो डिलीट हो चुकी है। और अगर हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे 3 प्रेस करती हूँ तो ये देखिए सिर्फ 1 ही आईडी हमें डिस्प्ले हो रही है। और लास्ट में अगर मैं 4 प्रेस करती हूँ तो थैंक यू फॉर यूजिंग माई एप्लीकेशन। तो इस टाइप की एप्लीकेशन हम लोग जावा JDBC ड्राइवर और MySQL डेटाबेस के ज़रिए बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्टार्ट ऐप की क्लास बनाई, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई, और CP जो आपकी कनेक्शन है JDBC ड्राइवर की और MySQL के साथ, तो ये वाली उसके लिए ही है। थोड़ा मैं नीचे कर देती हूँ। और फिर एक DAO क्लास मैंने बनाई, इस DAO क्लास में हर टाइप के मेथड पास कर, जैसे इंसर्ट स्टूडेंट टू DB यानी डेटाबेस, फिर डिलीट स्टूडेंट, फिर सो ऑल स्टूडेंट, ये 3 नाम के हमने मेथड बनाकर
और स्टार्टअप में हमने यहाँ पर कॉल किए। सो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो पूरा लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं करने वाली हूँ ये कंप्लीट ये स्क्रड एप्लीकेशन। और अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम MySQL कनेक्टर जार फाइल डाउनलोड करना है गूगल से। इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप MySQL कनेक्टर डाउनलोड कर सकते हो। और लोकल सर्वर जो हमारी अभी इस टाइम जैम्प है, MySQL है, MySQL के ये जैम कंट्रोलर है। और यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट करोगे तो अपैची और MySQL रन होने लगेगी। एंड ये हमारे डैशबोर्ड है जो PHP माई एडमिन के URL से ये ओपन होती है। और यहाँ ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। ओके, सो अभी हम लोग डेटाबेस एक क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टूडेंट, देन क्रिएट। ये एक स्टूडेंट नाम की एक डेटाबेस क्रिएट हो गई। और एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल के लिए मैंने STUD और इसमें 3 कॉलम्स लिए और ओके। और यहाँ पर मैं पहला आईडी ले रही हूँ, उसके बाद हमें नेम फिल करना है तो नेम, सेकेंड में हमारी, थर्ड में हमारी फ़ोन नंबर। आईडी हमारी हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट रहनी चाहिए, तो हम ऑटो इंक्रीमेंट के लिए ये ऑटो इंक्रीमेंट की जगह टिक करेंगे। तो जैसे ही टिक करते हैं तो ये देखिए हमारी प्राइमरी की ऑन हो गई। और उसके बाद हमारी सेकेंड टेबल की नाम नेम है, यहाँ पर हम लोग इंट की जगह वर्कर लिखेंगे और यहाँ पर लेंथ पास कर दें 255। और फ़ोन नंबर इसमें भी हम लोग वही वर्कर लेने हैं और इसमें हमारी वैल्यू 255 ऐड करनी। और बाकी और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सेव में क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी टेबल रेडी हो गई। डेटाबेस का नाम स्टूडेंट है और टेबल का नाम STUD करके रखे हैं। ठीक है, अभी कोई डाटा है नहीं इधर, हम इसमें डाटा फिल करेंगे कंसोल से। हमारे डाटा पास होकर डेटाबेस में, इस डेटाबेस में सेव होने वाली है। सो उसके बाद हम लोग एक्लिप्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आना है हमें, हमें क्या करना है, फाइल फाइल पे क्लिक करना है, न्यू देन अदर, और ये पे जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। और हमारे प्रोजेक्ट के नाम हमें दे देना है स्टूडेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट। और फिर ओके, नेक्स्ट। ये SRC आ गई यहाँ पर, बाकी और कुछ नहीं करना है, फिनिश। स्टूडेंट मैनेजमेंट यहाँ पर डोंट क्रिएट पे, ये पर कोई मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिनिश्ड हो गई। तो ये देखिए हमारी एक स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई है। हम अभी SRC में जाएंगे, क्लास नेम ले रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट ऐप करके, और ये पब्लिक मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आपको क्लिक करना है, देन फिनिश। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सेटअप हो गई, स्टूडेंट मैनेजमेंट की एक पैकेज भी क्रिएट हो गई। और ये मैं डिलीट करके यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
रन करते हैं इसको। ओके तो हमारी ये सही चालू है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, जैसे ये ओके है देन हम लोग फिर से जाएंगे फाइल, और यहाँ पर सॉरी इस पैकेज पर राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और हमारी इस टाइप की एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। हम लाइब्रेरीज में जाएंगे, यहाँ पर क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, तो हमारी ये जो डाउनलोड किए थे हम लोग MySQL कनेक्टर जार फाइल, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो देखिए जैसे अप्लाई एंड क्लोज कर रहे हैं तो आपको दूसरी एक फोल्डर क्रिएट हो जा रही है, ठीक है, MySQL जार कनेक्टर करके एक फोल्डर क्रिएट हो जा रही है। तो अभी हमारी यहाँ पर जार इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें इसके बाद हम बफर रीडर लेना है, एक बफर रीडर बिया नाम के नाम से स्टोर की, न्यू बफर रीडर, और इनपुट स्ट्रीम रीडर, और ये वाला, और यहाँ पर एरर आ रही है, हमें इसमें इंपोर्ट करना है इधर, तो इंपोर्ट के लिए हम यहाँ रखेंगे माउस पे, और ये इंपोर्ट। यहाँ पर ऐसे पास कर देंगे, अगर हमारी प्रेस वन होती है, अगर यूज़र प्रेस वन करती है तो ऐड डिलीट होनी चाहिए, अगर प्रेस टू करते हैं तो डिलीट स्टूडेंट होनी चाहिए, प्रेस थ्री हो रही है तो डिस्प्ले होनी चाहिए, और फोर हो रही है तो एग्जिट ऐप, ठीक है। सो हमने एक वाइल लिया, वाइल लूप लिए, और यहाँ पर हमने ये वाला पास कर दिए, और ये सी कौन सी है जो हम लोग यूज़र के एंड से लेने वाले हैं। हम यूज़र के एंड से डेटा लेने हैं, इन सी इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड। अब ये हमारी हम यूज़र इंटीजर एंड स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेने वाले हैं, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, इतना को कट करके इंट पास कर दीजिए, इसे कट कर दीजिए, और सो हमने एक बफर रीडर लिए, और ये हम लोग वाइल लूप में चला रहे हैं क्योंकि हमें ये बार बार प्रिंट होनी चाहिए, यूज़र से हमने लेनी चाहिए, तब तक लेनी चाहिए जब तक ये यूज़र हमें फोर प्रेस नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ये सारे क्या है, क्या यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं,
ये एरर आती है, यहाँ पर एक्सेप्शंस की एरर आती है, तो इस एक्सेप्शंस के लिए हम लोग यहाँ पर थ्रोज कीवर्ड लगा देते हैं। तो एक बार इसको सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आती है। सो वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप। अगर वन प्रेस होती है तो वन, अच्छा ये आनी नहीं चाहिए, सो हमारी कंसोल में आ गई। यहाँ पर आकर हम लोग वन प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारी ऐड स्टूडेंट के लिए आ गई। फिर टू द सेम चीज़ ये रन हो रही है यहाँ पर, तो हमारी अभी तक ठीक है। नेक्स्ट, तो यूज़र से फिर यहाँ से हम लोग यूज़र की इनपुट लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर नेम, और ये इस नेम से हम लोग यूज़र की नेम यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और ये फ़ोन नंबर भी स्टोर हो जाएगा। सो दोबारा इसको रन करते हैं और चेक करते हैं हमारी क्या परफॉर्म हो रही है। देखिए हम वन प्रेस करेंगे तो हमारी, अगर हम लोग वन प्रेस किए तो एंटर योर नेम, फिर एंटर योर फोन नंबर, फिर हमारी अभी ऐड स्टूडेंट की क्वेरी लिखनी है। और अगर हम लोग टू प्रेस कर रहे हैं तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, थ्री प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं, अगर फोर प्रेस कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन बंद हो जा रही है, राइट। तो अभी हमारी नेम और फ़ोन नंबर लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाना है आपको और एक सो हम यहाँ पर डेटा लेने वाले हैं, तो हम प्राइवेट स्टूडेंट आईडी के नाम पे लिए, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नाम से लिए और प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट फ़ोन नंबर पे लिए। अभी हम इसको कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे सोर्स, और यहाँ पर हम लगाएंगे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। और देखिए ये सारे तीन चीज़ टिक होनी चाहिए, सिलेक्ट ऑल देन जनरेट। देखिए ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गई है। अब दोबारा एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, हम जाएंगे और यहाँ पर फिर से कंस्ट्रक्टर, इस बार हम लोग आईडी निकाल देते हैं और जनरेट, ये हो गई। फिर थर्ड टाइम हम लोग थ्री टाइम्स कंस्ट्रक्टर लेना है हमें, और ये इस बार हम लोग कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास लेना है। ओके जनरेट कंस्ट्रक्टर हो गई। उसके बाद हम लोग गेटर और सेटर लेना है ये नाम के लिए, तो गेटर और सेटर के लिए हमें फिर से वही सोर्स पे जाना है और ये देखिए जनरेट गेटर एंड सेटर, और ये सिलेक्ट ऑल जनरेट। तो हमने गेटर एंड सेटर लिया, अभी ये
सेट हो गई है। और फिर हमने दो दो तीन कंस्ट्रक्टर लिए, और फिर हमें डेटा को आउटपुट दिखाने के लिए हमें क्या करना है, टू स्ट्रिंग लेना है, हमें टू स्ट्रिंग। तो ये देखिए हमारी टू स्ट्रिंग भी क्रिएट हो गई, सेट कर दिया। हमने प्राइवेट आईडी लिए, प्राइवेट से हमने इन आईडी लिए, स्टूडेंट की आईडी लिए, स्टूडेंट की नेम लिए, स्टूडेंट के फ़ोन नंबर लिए, और इसको हमने गेटर और सेटर के मेथड से सेट किए। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर लिए, एक पैरामेटाइज कंस्ट्रक्टर लिए और दूसरा नॉन पैरामेटाइज एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिए, और हमने डिस्प्ले करने के लिए टू स्ट्रिंग लिए। ठीक है, ये पेज का इतना ही हो गया। फिर हम लोग एक डाओ क्लास लेंगे। डाओ क्लास के लिए फिर वही सेम, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, क्लास डाओ फिनिश क्लिक करना। देखिए ये डाओ क्लास क्रिएट हो गई है। और एक कनेक्शन सेट करने के लिए लेना है, तो कनेक्शन सेट करने के लिए यहाँ पर फिर से राइट क्लिक, न्यू क्लास। कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पर सीपी डाल देती हूँ और ये फिनिश। तो ये कनेक्शन के लिए है और ये हमारे डाओ क्लास के लिए है। सो हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाए, थ्री कंस्ट्रक्टर बनाए। फिर हमने यहाँ पर गेटर और सेटर के मेथड से हमने गेट नेम और सॉरी सेट नेम और गेट नेम कर दिए हैं, और टू स्ट्रिंग भी यहाँ पर पास कर दिए हैं। और ये डाओ क्लास है हमारी और ये कनेक्शन की क्लास है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें अभी ये जो यूजर से एंटर हो रही है नेम और ये फ़ोन नंबर, इसको डिस्प्ले करना अगर चाहेंगे तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करूँगी, स्टूडेंट की क्लास के ऑब्जेक्ट लूँगी मैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टूडेंट एसटी इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और मैं यहाँ से क्या पास करना है, मुझे नेम और फ़ोन नंबर जो हमें डेटा से मिलने वाली है। ठीक है, तो एक बार इसको चेक करते हैं, ये रन हो रही है नहीं हो रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट सो एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर वन प्रेस की, एंटर नेम, नेम मैं अगर लगा रही हूँ फोन नंबर, तो ये देखिए मेरी नेम यहाँ पर प्रिंट हो रही है, जो नेम ये वाला दी थी। और हमने आईडी कोई सेट नहीं किया तो इसलिए ज़ीरो आ रहा है, और ये फ़ोन नंबर जो ये वही वाला फोन। तो हमारी यहाँ तक परफॉर्म ठीक हो रही है। सो हमारी ये आउटपुट आ गई और हमारी लूप भी चालू है। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यही जो डाटा हम लोग यूज़र से ले रहे हैं, ये डाटा हमें डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करनी है, कनेक्शन बनानी है। तो जो कनेक्शन की क्लास बनाई थी, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल मेथड बनाएंगे। मेथड क्या बनाएंगे, पब्लिक वॉइड क्रिएट सी। ठीक है, ये हमारी है लोड द ड्राइवर क्लास, देन क्रिएट कनेक्शन यूजिंग ड्राइवर मैनेजर, देन उसके बाद हम लोग क्वेरीज रन करने वाले हैं और ये रिजल्ट प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज। यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ लोड ड्राइवर, लोड ड्राइवर की जगह हमारी ये देखिए क्लास डॉट फॉर नेम करके एक है, मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस आ रही है तो मैं एक्सेप्शंस को ट्राई कैश में डाल रही हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करेंगे और ये ड्राइवर मैनेजर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये ड्राइवर मैनेजर को इंपोर्ट कीजिए
और हमने कन नाम कौन नाम से ये सारी चीज़ स्टोर कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन के लिए हमने टूट लिए, पासवर्ड हमारी अभी ब्लैंक है और यूआरएल जो हमारी ये यूआरएल है, ठीक है, इसका वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से हम लोग कनेक्शन कौन पे हमने लगा दी, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा माई एस क्यू एल जे डी बी सी, ये वाला कनेक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हमारे यहाँ पर एरर आ रही है, तो हम यहाँ पर थ्रोस डिक्लेरेशन कर देते हैं। अगर कुछ कहीं पे अभी एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो वो जेवीएम हमें हैंडल कर लेगा, ठीक है, एक्सक्यूएल के एक्सेप्शंस आ रहे हैं। सो यहाँ पर हमने यूज़र जो कनेक्शन के जो पैरामीटर्स है जैसे कि यूज़र पासवर्ड यूआरएल ये सब हमने पास कर दिए। अब हमारी रिटर्न टाइप कनेक्शन ही हो तो मैं ये वर्ड जो है मैं इसको कनेक्शन कर देती हूँ, और इसको मैं स्टैटिक बना देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक कर रही हूँ तो ये भी यहाँ पर भी स्टैटिक होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने स्टैटिक कर दिया और यहाँ पर स्टैटिक कर दिया, और यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है। रिटर्न करने के लिए रिटर्न यहाँ पर हमने रिटर्न लगाना है रिटर्न टाइप, तो यहाँ पर हमें रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना है, रिटर्न टाइप कनेक्शन, और अभी सारी एरर खत्म हो गई, सेव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारी अभी क्या काम है, हमारी अभी कनेक्शन रेडी हो गई है हमारी, यहाँ पर हमने नेम और फ़ोन नंबर यूजर से ले रहे हैं। अब हमारी यहाँ पर जो है डाओ क्लास, अभी डाओ क्लास पे ही काम होगी। ये कनेक्शन हम लोग कैसे, हम नेक्स्ट हम लोग जब भी कनेक्शन यूज़ करें तो ये कौन नाम की वेरिएबल से हम लोग कनेक्शन पास करने वाले हैं। तो अभी ये डाओ क्लास के काम क्या है, ये इंडस्ट्री लेवल की प्रैक्टिस है जहाँ पर हम जितने भी डेटा स्टोर करते हैं, जो क्वेरीज लिखते हैं, डेटा स्टोर करते हैं या डेटा फेच करते हैं या डेटा को इंसर्ट करते हैं या डेटा को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, डेटा को कोई भी मैनिपुलेट करते हैं, तो हम ये डाओ क्लास बनाकर करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होती है, ये स्टैंडर्ड नॉर्म फॉलोड होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इधर हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाकर भी इसको कॉल कर सकते हैं, या मैं इसको अगर स्टैटिक भी बना दूँ तभी भी हम इसको पब्लिक वर्ड एक इंसर्ट स्टूडेंट डीबी नाम की एक मेथड बना देते हैं यहाँ पर, इंसर्ट स्टूडेंट डीबी, और इसमें हम लोग स्टैटिक पास कराते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टैटिक कर दी और ये सेव की, यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगी। तो कैसे एक्सेस करूँगी, इधर स्टूडेंट डॉ डॉट स्टूडेंट डॉट, जैसे मैंने डॉट लिखी तो ये देखिए मेरी ये वाला फाइल कॉल हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके भी कॉल कर सकते हैं या स्टैटिक करके भी हम लोग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है, अभी अभी हम लोग यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है, हमें भी यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है ताकि हमारी जो डाटा यहाँ से पास होकर डायरेक्टली डेटाबेस में सेव हो जाए। सो यहाँ पर आपको एस टी करके पास भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे एस टी करके पास कर रहे हो यहाँ पर आपको स्टोर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आकर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं स्टोर के लिए स्टूडेंट एस टी कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी ये कॉल हो गई यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जे डी बी सी की कनेक्शन लिखने वाले हैं। तो जे डी बी सी की कनेक्शन के लिए जे डी बी सी की कोड लिखेंगे,
कनेक्शन, यहाँ से हम लोग क्रिएट कनेक्शन कर सकते हैं इधर से। तो यहाँ पर हमारी एक्सेप्शंस की एरर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं। ट्राई कैच के अंदर रखने के बाद हम लोग एक क्वेरी कनेक्शन पास करने वाले हैं। तो क्वेरी कनेक्शन हम इस एसटी स्टूडेंट में एसटी में सेव करने वाले। तो क्वेरी लिखने के लिए क्या है, इंसर्ट की क्वेरी क्या है, हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग क्यू नाम से इक्वल्स टू ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी क्वेरी रन कर दी है, इंसर्ट की क्वेरी रन कर दी है, और ये हमारी फील्ड बन गई है, और ये हमारी यूज़र से डेटा ले रहे हैं। अगर हम लोग यूज़र से डेटा ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। तो कैसे लिखना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर यही क्यू मैं पास कर दें। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट की जावा स्क्वेयर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो हमारी ये एरर गायब हो गई। फिर हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको हमने यहाँ पर कनेक्शन पास कर दिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो हमें अभी ये सेट करनी पड़ेगी हमारी वैल्यूज़। तो वैल्यूज सेट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर हमारी ये वेरिएबल पी एस एम टी डॉट सेट स्ट्रिंग, तो ये देखिए ये वाला पैरामीटर इंडेक्स जहाँ पर हम लोग पैरामीटर सेव करेंगे। पैरामीटर क्या है इसका, 1 1 पे हम लोग ये सेव कर रहे हैं नेम। तो नेम स्टेट सेव करने के लिए क्या लिखना है, ये क्यू में हमें पास करनी पड़ेगी एस टी डॉट गेट गेट स्टूडेंट नेम, ये वाला पास करनी है। दूसरा हमें और दूसरा सेट करनी है पी एस एम टी डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारी सेकेंड पैरामीटर पे है ये फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर के लिए मैं क्या करूँ, एस टी डॉट गेट स्टूडेंट फ़ोन ठीक है। अभी हमने ये दो पैरामीटर पास कर दिए हैं, तो जैसे हमारी ये डेटा आ गई, हमें इसको अभी एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं अगर यहाँ जस्ट कमेंट करती हूँ एग्जीक्यूट है अभी यहाँ पर, तो एग्जीक्यूट के लिए क्या करना है, पी एस एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, बस सिंपल ये हो गई यहाँ पर। तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ये सही से एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही है, तो हमें ये क्या कैसे पता चलेगा, हम ये जो void है उसको चेंज कर देते, एक बुलियन टाइप दे देते हैं, ट्रू और फॉल्स में आ जाएगी। तो अभी हमारी यहाँ पर क्या लिखना है, हमें अभी रिटर्न टाइप भी देना है, इधर पास कर देते हैं बुलियन एफ इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ पर हम दे देते हैं रिटर्न, अरे रिटर्न एफ ठीक है। अरे ही अगर ये सारी चीज़ ओके है, ये रिटर्न एफ करेगा, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो ये ट्रू और फॉल्स में, सारी चीज़ सही से चल रही है, तो हम यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक एफ को रिटर्न करना है, एफ इक्वल्स टू रिटर्न नहीं, एफ इक्वल्स टू ट्रू करना है इधर, अगर ये सही से चल रही है तो एफ इक्वल्स टू ट्रू, और ये प्रॉपरली फंक्शन हो रही है, अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये फॉल्स डिक्टेट करे ठीक है। और ये आंसर को हमें इफ़ और एल्स में रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमें शो भी कर देगा। तो इफ एल्स के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर इफ ट्रू, ये अगर ट्रू है
या इसको मैं रिजल्ट भी कर देती हूँ, रिजल्ट, और यहाँ पर मैं रिजल्ट के नाम से पास करती हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू, या आंसर ही रहने देते हैं आंसर, और यहाँ पर हम लोग आंसर, अगर इफ आंसर इज ट्रू, अब ये अगर ट्रू निकला तो हमें क्या देनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए एडेड सक्सेसफुली टू डेटाबेस, एल्स एल्स समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इसको मैं यहाँ पर एडिट कर देती हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो जैसे हमारी यहाँ हो गई, तो हम एक बार रन करके देखते हैं, तो पहले ये आया, तो मैं यहाँ पर वन प्रेस करती हूँ, तो एंटर योर नेम, नेम में ऑनलाइन क्लोथ्स एंटर कर रही हूँ, और फ़ोन नंबर में कुछ डमी फ़ोन नंबर एंटर की, देखिए अभी एडेड सक्सेसफुली टू डेटाबेस, तो एक बार चेक करते हैं डेटाबेस में इंसर्ट हुआ, तो अभी हमारी कुछ डेटा नहीं है, हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये यहीं पर डेटा स्टोर हो गया, इसका मतलब हमारी कनेक्शन अभी सक्सेसफुल है और हमारे डेटा भी इंसर्ट भी हो रही है प्रॉपरली। तो इतना तक हमें हो गया, तो हमें क्या किया यहाँ पर, बेसिकली हमने यहाँ पर एक बफर रीडर लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और हमें ये वाला पास के सी की चूज़ के जरिए हम यहाँ से जो चीज़ें हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, यूज़र से जितने भी इनपुट आएंगे, मतलब अगर 1, 2, 3, 4 जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से सी करेगा, सी पे ई स्टोर हो जाएगा, और अगर सी 1 प्रेस हुआ और ये स्विच केस में सी अगर 1 प्रेस हुआ तो ये इंसर्ट होनी चाहिए, तो इंसर्ट के लिए हमने क्या लिए, एक नेम और फ़ोन नंबर, यही तो हमें इंसर्ट होनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक अपना स्टूडेंट क्लास बनाए, और यहाँ पर हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए और 2 स्ट्रिंग लिए हमने, और गेटर और सेटर का मेथड भी यूज़ किया यहाँ पर, और फिर हमने कनेक्शन का फाइल लिया, कनेक्शन का क्लास लिया, कनेक्शन का कोड लिखा और JDBC इस पर ड्राइवर इंस्टॉल किए या ड्राइवर को इंपोर्ट किए, JDBC का ड्राइवर इंपोर्ट हुआ, और हमारी यहाँ पर कनेक्शन के लिए हमें 3 पैरामीटर चाहिए, URL, यूज़र नेम, यूज़र और पासवर्ड, तो हमारी URL यही है, और अगर आप MySQL पे काम करें तो यही आपकी URL रहती है, यूज़र रूट रहती है, अगर आप पासवर्ड कुछ सेट किए तो पासवर्ड दे सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो एम्प्टी रहती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जहाँ पे भी कनेक्शन यूज़ करेंगे तो हमें इस कौन नाम से कनेक्शन यूज़ होनी है, और फिर हम इस चीज़ को, हमारी एप्लीकेशन को, डेटाबेस को थोड़ी बेहतरीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए हमने DAO क्लास लिया, तो DAO क्लास पे क्या करना है, हमें हमें DAO क्लास में एक मेथड बनाए इंसर्ट स्टूडेंट टू DB, और इसमें एक मेथड पास, ये इसमें हमने पास किए स्टूडेंट ST, ये यही है, ये वाला जो चीज़ है हमने यहाँ पर पास किए, और यहाँ पर हमने एक कनेक्शन पहले लिया, कनेक्शन लेने के बाद एक क्वेरी रन किए इंसर्ट टू, हमारे जो टेबल के नाम और नेम और फ़ोन नंबर इंसर्ट हो जाए, और ये प्रिपेयर स्टेटमेंट के फॉर्मेट में रहे, और हमने यहाँ पर गेट नेम, गेट सेट और गेट के जरिए हमने यहाँ पर सेट कर दिए पैरामीटर्स को, और फिर हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिए, और ये प्रॉपरली रन हो रही है नहीं हो रही है, इसको हमने ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन की स्टेटमेंट में ले लिया, और यहाँ पर हमने एक बुलियन की वैल्यू f करके नाम के स्टोर कर दिया, ये अगर प्रॉपरली सही है तो ये रिटर्न करे ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स है, और यहाँ पर हमने रिटर्न f किए, और यहाँ पर हमने स्टैटिक इसलिए लिए क्योंकि हमें यहाँ पर इसको कॉल करनी थी, स्टूडेंट DAO को कॉल करनी थी, इधर आप ऑब्जेक्ट बनाकर भी कर सकते हो या आप स्टैटिक बना दोगे तो डायरेक्टली इधर एक्सेस कर सकते हो।
तो इतना करने के बाद अगर ये सही सारी चीज़ काम कर रही है, सही प्रॉपरली हो रही है, तो हमने यहाँ पर एक इफ एल्स लगाया चेक करने के लिए। अगर ये सही से सारी चीज़ आंसर में सारे रिकॉर्ड्स प्रॉपरली जा रही है डेटाबेस को, तो हमें लिखनी चाहिए एडिट सक्सेसफुली टू डेटाबेस। अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये लिखनी चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी हमारी डेटा प्रॉपरली जा रही है, इंसर्ट हो रही है, तो इसलिए हमें क्या लग आया, डेटा सक्सेसफुली एडिट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिलीट। डिलीट का कैसे करना है और डिस्प्ले कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पर 4 प्रेस करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 प्रेस करती हूँ तो हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे डिलीट स्टूडेंट। डिलीट स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर आईडी पास करूँगी। आईडी पास करके वो आईडी से ही हम डिटेल्स जो स्टूडेंट की डिटेल्स है वो डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आईडी लेना है। आईडी लेने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ एंटर योर आईडी, और उसके बाद मैं एक ये ऑप्शंस लेना है मुझे। इंटीजर इंटीजर फॉर्मेट में आईडी होगी, तो मैं यहाँ पर एक इंट ले रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये यूज़र आईडी करके यूज़र से आईडी पास करना है मुझे, और उस आईडी को लेकर मुझे डिलीट कराना है। तो डिलीट कराने के लिए मुझे अभी डाउ क्लास पे जाना है। डाउ क्लास पे मैंने यहाँ पर सेट करके रखी हूँ, नहीं क्यों अभी करने वाले हैं हम लोग, सेट करने वाले हैं ये भी डाउ क्लास में। पब्लिक वर्ड यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, और इस मेथड को हमें इधर पास करानी है। तो यहाँ पर आकर हम लोग नहीं बना है, यहाँ पर हमें स्टैटिक बनाना है। इसको स्टैटिक बनाने के लिए हम स्टैटिक करके तो मैंने अभी तक रिटर्न टाइप बुलियन एफ, तो मैं अगर यहाँ पर बुलियन टाइप पास कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न टाइप देना है, रिटर्न टाइप एफ। एफ लिया मैंने, और मुझे यहाँ पर आकर वही चीज़ पास करानी है। तो पास कराने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट डाउ डॉट, जैसे मैंने डॉट की तो देखिए ये बुलियन का आ गया डिलीट स्टूडेंट, एंटर। अभी मेरी ये वाला आ गई फाइल। अभी मुझे यहाँ पर क्वेरीज लिखनी है, डिलीट की क्वेरीज लिखनी है। तो ये कनेक्शन में ट्राई कैच के जरिए सराउंडेड कर देते हैं, ताकि कुछ एक्सेप्शन्स हो तो हैंडल हम इजीली कर पाएंगे। तो कनेक्शन पहले, फिर हम डिलीट की क्वेरी। तो हमारी डिलीट की क्वेरी, डिलीट फ्रॉम जो टेबल का नाम है, वेयर आईडी इक्वल्स टू, हम लोग यूजर से जो आईडी लेने वाले हैं। तो ये यूजर से आईडी ले रहे हैं, तो हम लोग इसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डालने वाले हैं। डायनेमिक है तो ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ही डालना है इधर। ठीक है, मैंने ये पीएसएमटी में सारे चीज़ सेव करके रखी। जो डिलीट आईडी आएगी यहाँ से, ये यहाँ से स्टोर होगा और यहाँ से वो कॉल हो रहा है। ठीक है, हम सेट करते हैं वैल्यू, पैरामीटर सेट करते हैं। पैरामीटर सेट करने के लिए यूज़र आईडी ही लेना है, यूज़र आईडी ही सेट करानी है। ठीक है, ये यूज़र आईडी इंट यूज़र आईडी, ठीक है, ये यूज़र आईडी यहाँ से ही पास हो रही है, और यहाँ से भी हमें पास करानी पड़ेगी। हमें अभी यहाँ पर यही सारा चीज़ सेव कर देनी है। यहाँ पर इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर हम लोग एक इफ एल्स चलाएंगे। इफ आंसर इज इक्वल्स टू के है, ये कॉपी कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर ये हूँ, ठीक है, अगर आईडी प्रॉपरली आ रही है और यहाँ पर पास प्रॉपरली हो रहा है, तो ये यहाँ पर डिलीट होनी चाहिए। ये को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट, जैसे यहाँ हम पैरामीटर सेव कर दे, यहाँ से एग्जीक्यूट भी करना है, राइट। तो ये इतना काम था इधर। तो मैं एक बार फिर से रन करके करते हैं कि हमारी सारी फंक्शन चालू है या नहीं। तो मैं डेटाबेस में हमारी सिर्फ एक ही डेटा है, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
हाँ बस एक ही डेटा है, अभी हम और एक डेटा इंसर्ट करते हैं, रन। जैसे मैंने वन प्रेस की, एंटर योर नेम, नेम में मैंने डमी फोन नंबर, तो यहाँ पर एडेड सक्सेसफुली। तो अभी ये देखिए मेरी डेटाबेस में, जैसे मैंने ये रिफ्रेश की तो सेकंड नाम, सेकंड आईडी टू पे ये मेरी नेम पे सेव हो गई है। हाँ मुझे तो डिलीट करने के लिए तो मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँ, प्रेस टू, तो ये एंटर ईयर आईडी मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टू प्रेस की, और ये देखिए डिलीट भी हो गया। अब ये देखिए ये मेरी ये वाला डाटा डिलीट होनी चाहिए, जैसे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए गायब हो गई, अभी डिलीट हो गई, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, एग्जिट हो रहा है, बस ये डिस्प्ले बाकी है। अभी हम लोग डिस्प्ले ही काम करेंगे। डिस्प्ले में क्या करना है हमें, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कॉल करा रहे हैं, ठीक है, हम स्टेटमेंट यूज़ करके कॉल करा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सिर्फ डाओ क्लास में जाना है। डाओ क्लास में जाकर हम यहाँ पर एक पब्लिक स्टैटिक वर्ड शो ऑल स्टूडेंट के नाम से मैंने एक मेथड बनाया। सो हमारी नेक्स्ट और लास्ट रह गई है डिस्प्ले स्टूडेंट की, तो डिस्प्ले स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला पूरा डिलीट का जो है वो कॉपी कर लेते हैं इधर से, क्योंकि यही सारी सेम चीज़ रहने वाली है, तो मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी, और ये यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। और बस यहाँ पर हमें थोड़ी चेंजेस करनी है, ये डिलीट की जो क्वेरी है ये निकाल देनी है हमें, और बाकी ये कनेक्शन ठीक है, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक डेटा ले रहा है, और ये यूज़र आईडी नहीं चाहिए हमें। तो कुछ और नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, हमें क्या चाहिए, इतना चाहिए एसएमटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, यार यहाँ पर कुछ डाउट है, और यहाँ टी जो हमने यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं, देते हैं रिटर्न टाइप हटा देते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी डेटा यहाँ से आ रही है, जो भी डेटा यहाँ से आ रहेगी डेटाबेस से, वो सेट होकर हमारे क्या एक वाइल लूप में चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आईडी आ जाएगा, और यहाँ पर नेम आ जाएगा, और फ़ोन नंबर आ जाएगा, और ये या ये वाला जो आईडी नेम फ़ोन नंबर ये हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, जो डेटाबेस से सीधा आएगा इधर। ओके तो अभी ओके तो लेस सेव, एक बार हम लोग रन करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसे रन हो रही है। रन, हम अगर वन प्रेस कर रहे हैं तो एंटर योर नेम, नेम पे मैं नेहा डमी फोन नंबर डाल रही हूँ। अब देखिए एडिट सक्सेसफुली टू डेटाबेस नेहा, और ये फ़ोन नंबर हमारे डेटाबेस पे हम लोग आ गए हैं। अब ये देखिए नेहा, इसको थ्री प्रेस करते हैं, थ्री प्रेस करते हैं, तो अच्छा ये हमने यहाँ पर शायद कॉल नहीं किया है, हाँ हमने यहाँ पर कॉल करनी है इसको, कॉल नहीं करेंगे तो ये रन नहीं होगा, तो कॉल के लिए हमें क्या करना है, बस इसी को ही,
स्टूडेंट ऑल, इसी को इधर डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डाओ डॉट सो स्टूडेंट, बस सेव, दोबारा फिर से रन करते हैं एक बार, और इस बार हम लोग 3 प्रेस करके देखते हैं। चलो यहाँ पर कुछ एरर आ गई है। सो हमारी एक्सेप्शंस जो आती है, हमने यहाँ पर हमारी ये जो एक्सेप्शंस आई, यहाँ पर हमने क्वेरी पास नहीं किए थे, हमने क्वेरी पास करना भूल गए थे। तो हमारी क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल एसटीयूडी, ये टेबल से सारे डेटा लाने के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग रन करते हैं इसको, और इस बार मैं यहाँ पर 3 प्रेस करती हूँ। अब देखिए डेटा पूरी प्रॉपरली आ रही है, हमारी ID 1 जो ये था, ID 3 जो ये था, तो ये दो ही डेटा है और दो ही डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। सो थैंक यू, ये पूरी कोड और ये पूरी सोर्स कोड वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।